मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हो अपनी एंड से, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, या फिर स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन हाउ टू अप्लाई अ विजिटर वीजा। विजिटर वीजा वो वीजा होता है जब आप कनाडा में अपने रिलेटिव फ्रेंड्स या फिर अपने नियर वन या फिर अपने बच्चों के पास से आ रहे हैं विजिट करने के लिए। तो सबसे पहले जो वेबसाइट खुलेगी वो है canada.ca। ये जी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ये वेबसाइट खोलोगे आप, तो ये आपसे पूछेगा कि सर्विस आप इंग्लिश में चाहते हैं या फ्रेंच में चाहते हैं, तो इंग्लिश में प्रेफर होगी। तो ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जस्ट आपको जो सबसे पहली चीज ओपन करनी है वो है जीसी अकाउंट। अपना जीसी अकाउंट बनाना, तो आप जीसी की या जीसी के नाम से सर्च कर सकते हो। इसका एक अपने से बहुत अच्छा सर्च बार है canada.ca का। तो ये आपके सामने जीसी की हेल्प और बहुत सारी वेबसाइट जो है वो आप खुल गई हैं। तो ये आपके सामने पेज खुल जाएगा जहां पर आपको, अगर तो पहले से आपका जीसी अकाउंट है तो आप जीसी की यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालोगे, अगर नहीं तो है तो क्रिएट एन अकाउंट, आप नया अकाउंट जो है वो रजिस्टर करोगे। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड चाहिए होगा। तो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो है, यूजर नेम और पासवर्ड जो है, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जीसी की क्रिएट करने के लिए जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करो वो आपका यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं साइन अप पे जाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सी पहले भी जीसी की बनी हुई है। टर्म एंड कंडीशन ऑफ यूज, इन रिटर्न फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा प्रोवाइडिंग यू विद अ जीसी की, यू एग्री टू अबाइड बाय जीसी की। मीन्स ये कि एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अगर डिक्लाइन करेंगे तो ये नहीं मानेगा। चलो ये क्रिएट योर यूजर नेम। यूजर नेम जो, देखो यूजर नेम है ना, वो आपके नाम से लाइक मिलता जुलता हो। मेक योर यूजर नेम इजी फॉर यू टू रिमेम्बर एंड हार्ड फॉर अदर टू गेस। अवॉइड यूजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज योर नेम, सोशल इंश्योरेंस नंबर, मेलिंग एड्रेस। ऑलवेज कीप योर यूजर नेम सिक्योर एंड डू नॉट शेयर इट विद एनीवन। इनकी इनके अकॉर्डिंग जो आपका जीसी की का यूजर नेम है वो आपके नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम दलजीत सिंह है, तो यहाँ पर मैं जो है अकाउंट दलजीत से बनाऊंगा, दलजीत सिंह से बनाऊंगा, दैट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट। तो ये बाद में मेरे को बोल देगा कि हाँ भी एरर आ गया है। तो आप ऐसा करिए कि कुछ मिलता जुलता बनाइए, जैसे कि एस दलजीत मैं बना सकता हूँ, SDLJEET, एस दलजीत। कंटिन्यू, क्रिएट योर यूजर नेम। यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसे पूछूंगा कौन सा अवेलेबल है। एस दलजीत सिंह, एस दलजीत, AHUJA। कंटिन्यू, हाँ ये अवेलेबल है। तो नेक्स्ट मेरे को बोल रहा है ये क्रिएट योर पासवर्ड, पर पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा अपना पासवर्ड। मैं जो है वो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी कि 8 से 16 करेक्टर में होना चाहिए। 3 कॉन्सिक्यूटिव करेक्टर्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए, यानी कि आपके नाम के 3 करेक्टर इकट्ठे नहीं होने चाहिए। वैलिड करेक्टर होने चाहिए लोअर केस एंड अपर केस, यानी कि आप में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों होने चाहिए, और डिजिट्स भी होना चाहिए 1, 2, 3, 4, और जो आपका पासवर्ड है वो आपका मैच करता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये अपर केस, ये मैंने पासवर्ड रख लिया, पहले कैपिटल फिर स्मॉल, तो मैंने जो पासवर्ड रखा उसमें डज नॉट कंटेन 3 कॉन्सिक्यूटिव करेक्टर फ्रॉम योर यूजर नेम। तो ये मेरे को साथ में बता रहा है कि आपने ये सारी चीजें तो क्लियर कर दी, बट ये चीज नहीं हो रही है कि आपके आपने जो पासवर्ड रखा है उसमें 3 करेक्टर जो है सेम मिल गए। मैं आपको खैर कंटिन्यू करके बताता हूँ, ये आई एम श्योर आगे नहीं जाएगा। यूजर फॉर्म कुड नॉट बी सबमिटेड बिकॉज 3 एरर फॉर्म। तो ये 3 एरर कौन कौन से हैं? योर क्रिएट पासवर्ड कंटेन 3 कॉन्सिक्यूटिव कैरेक्टर फ्रॉम योर यूजर नेम, यूजर नेम से है। फॉर योर प्रोटेक्शन यू क्रिएट पासवर्ड हैज बीन क्लियर एंड
फॉर योर प्रोटेक्शन योर कन्फर्म पासवर्ड हैज बीन क्लियर। चलो मैं कुछ और नया नाम देखता हूँ। से कैपिटल जेड एक्स सी एट द रेट 1 2 3 4 5, मैंने ये रख दिया, 1 2 3 4 5 नहीं रखूंगा। कैपिटल जेड स्मॉल एक्स फिर सी फिर द एट द रेट 1 0 9 5, कैपिटल जेड एक्स सी एट द रेट 1 0 9 5, कंटिन्यू। ये मेरा क्रिएट हो गया। तो मैं ऐसा करूंगा, इस पासवर्ड को अलग जगह पर सेव करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि नोटपैड खोलूंगा और नोटपैड पे ये सेव करूंगा सारी की सारी डिटेल, जो मेरा जीसी की इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड कैपिटल जेड एक्स सी एट द रेट 1 0 9 5। तो मैं ब्रैकेट में ये भी लिख लूंगा कि जो जेड है जेड इज कैपिटल, सो दैट कि कल को अगर मेरे को पासवर्ड भूल जाए तो यहां से मेरे को पता हो कि लाइक मैंने कैपिटल लेना है या स्मॉल लेना। तो क्रिएट योर रिकवरी क्वेश्चन। रिकवरी क्वेश्चन कौन से हैं? सिलेक्ट रिकवरी क्वेश्चंस फॉर यू। तो फॉर एग्जांपल, व्हाट वाज माय फर्स्ट पेट नेम? तो फर्स्ट पेट नेम से जैकी, जे ए सी के वाई। नेक्स्ट है माय मेमोरेबल पर्सन, तो कुछ भी हो सकता है। चलो मैं अपना नाम ही लिखता हूँ, DLJWT। नेक्स्ट माय मेमोरेबल पर्सन हिंट लाइक माई सेल्फ। नेक्स्ट माय मेमोरेबल डेट, मैं अपनी, चलो खैर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ, 1981 07 08। हिंट डेट ऑफ बर्थ। तो ये मेरे सिक्योरिटी क्वेश्चन हो गए। फॉर द सेफ साइड मैं इनको क्या करता हूँ, इनका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और मैं ये भी सेव कर लेता हूँ इन्फॉर्मेशन यहीं पर, नोट करके मैंने सेव कर ली। सॉरी, नोटपैड पर सेव नहीं होगी, मैं वर्ड फाइल में सेव कर, जैसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं वर्ड फाइल में सेव कर लूंगा, जीसी की इंफॉर्मेशन। मैं ऐसा करता हूं कि मैं जो है ये जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो मैंने क्रिएट किया था वो भी मैं इसी में सेव कर लेता हूँ। पासवर्ड से कर देता हूँ बंद। नेक्स्ट कंटिन्यू। ऑप्शनल अकाउंट रिकवरी, कंफर्म योर ईमेल, रिकवर योर यूजर एंड और पासवर्ड, नोटिफाई यू ऑफ योर अकाउंट चेंज। ईमेल एड्रेस अपना, मैं ईमेल एड्रेस यहाँ डालता हूँ और कंफर्म ईमेल एड्रेस भी सेव होना चाहिए। अगर आपके ऑटो सेव ऑप्शन नहीं है तो आप इसे टाइप करो। कंटिन्यू। योर यूजर नेम, मैं यूजर नेम भी वहां पर लिख लेता हूँ, एस कैपिटल। कंटिन्यू। वी हैव सेंट ए कंफर्मेशन कोड टू, इस मेल पे मैंने कोड भेजा जो कि 12 घंटे तक रहेगा, एक्सपायर नहीं होगा, तो मुझे वो कंफर्मेशन कोड जो है वो देखना पड़ेगा। तो जस्ट मैं अपने अकाउंट पे जाऊंगा तो ये नॉर्मली इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर होती है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, ऐसी मेरे को एक मेल आई है जिसमें कि कंफर्मेशन कोड है। तो व्हाट आई डू लाइक आई जस्ट कॉपी द कोड एंड देन पेस्ट इट। कंटिन्यू। यू हैव सक्सेसफुली एडिट द ईमेल रिकवरी ऑप्शंस।
वेलकम एस दलजीत आहूजा टू हेल्प प्रोटेक्ट योर इन्फॉर्मेशन प्लीज रिमेम्बर टू साइन इन एंड आउट क्लोज योर ब्राउजर बिफोर लिविंग दिस कंप्यूटर। मतलब कि ये मेरे को जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जब भी आप अपना अकाउंट सॉरी बंद करने लगे हो कंप्यूटर तो पहले साइन आउट कर लो। मैं कंटिन्यू करूंगा। तो ये भी मैंने से वो पूछ रहा है कि चूज अ मेथड ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, मतलब कि दो टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन मैं कौन सा लगाना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी सेट करूंगा, यानी कि जब भी मैं अकाउंट ओपन करूं तो मेरे को ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है यूज करना पड़े। आई एक्सेप्ट, तो भी सारी इंफॉर्मेशन है। ईमेल एड्रेस मैं वही अपना ईमेल एड्रेस लिखूंगा, GAL81@gmail.com। वन टाइम पासवर्ड, यानी कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम ओपन करोगे तो ये वन टाइम पासवर्ड आपसे मांगेगा। फिर से मैं अपने ईमेल पे जाऊंगा और ये मेरे को इन्होंने पासवर्ड भेज दिया है। वेरीफाई योर लॉग इन वन टाइम पासवर्ड, कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल जी कंटिन्यू। तो ये मेरा जो है यू मस्ट रिकॉर्ड दीज रिकवरी कोड्स टू प्रोटेक्ट योर टू फैक्टर, तो मैं इसे भी सेव करके रखूंगा। व्हाट आई डू, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, रिकवरी कोड, तो इसे मैं जो है वो वही वर्ड फाइल में सेव कर लो। रिकवरी को डू नॉट शेयर, यस आई हैव सिक्योरली रिकॉर्डेड एंड स्टोर दीज कोड्स, कंटिन्यू। ये बोल रहा है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यू हैव फाइव एक्टिव रिकवरी कोड्स रिमेनिंग, यू योर लास्ट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाज ऑन मंडे सितंबर 2, 2024 1:40, यानी कि जो कनाडा के टाइम है। कंटिन्यू, ये भी पूछ रहा है कि फ्रेंच में चाहिए सर्विस या इंग्लिश में, तो मेरे को इंग्लिश में चाहिए। तो ये फिर से मेरे को बोलेगा कि आप साइन इन करो, साइन इन करने के लिए सेम वही ऑप्शन जीसी की साइन इन, जीसी की साइन इन, साइन इन टू योर सिक्योर IRCC, ये जीसी की यूजर नेम एंड पासवर्ड। मैं अभी साइन इन करूंगा इसे, क्योंकि मैंने ये इन्फॉर्मेशन पहले से अपने सिस्टम में स्टोर कर ली है, तो मेरे को बार बार यूजर आईडी पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। आई एक्सेप्ट। हाँ, अभी क्रिएट माई अकाउंट, अपना अकाउंट क्रिएट करूंगा मैं। एंटर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज इट अपियर ऑन योर पासपोर्ट, ये ध्यान में रखना कि जो आपका है वो पासपोर्ट प्रॉपर वे से, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वही आपके पासपोर्ट पे होनी चाहिए। गिवन नेम दलजीत सिंह। देखो कईयों के पासपोर्ट पे लास्ट नेम नहीं होता है, कईयों में गिवन नेम तो सब में होता है, जैसे कि मेरा नाम दलजीत सिंह है तो मेरा कोई लास्ट नेम नहीं है, तो मेरा लास्ट अगर मैं गिवन नेम ना डालूं या ना डालूं बट लास्ट नेम जरूर डालना चाहिए, तो मेरा ये दलजीत सिंह लास्ट नेम में मैं इसे डाल दूंगा तो भी चलेगा। बट जो अगर मैं गिवन नेम डाल दूं और लास्ट नेम ना डालूं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ईमेल आईडी पहले से है, प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑफ नोटिफिकेशन किस लैंग्वेज में नोटिफिकेशन चाहते हो आप, इंग्लिश में। कंटिन्यू, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड है, जो मैंने लाइक यू विल नीड टू आंसर वन ऑफ योर सिक्योरिटी क्वेश्चन ईच टाइम यू एक्सेस योर अकाउंट,
ये सिक्योरिटी क्वेश्चन मेरे को खुद से बनाने पड़ेंगे, फिर से क्वेश्चन और आंसर देने पड़ेंगे, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब मैं अकाउंट लॉग इन करूं तो ये सारे के सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो मेरे से पूछेगा और मैं आंसर दूंगा, और तभी तो पता चलेगा कि जो अकाउंट है वो मेरा है। सपोज सिक्योरिटी क्वेश्चन, मदर नेम ले लेता हूं मैं, मदर नेम गॉड फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फॉर एग्जाम्पल होगा सिक्योरिटी क्वेश्चन 3, व्हेन डू यू गेट अप फॉर एग्जाम्पल 5 AM, सिक्योरिटी क्वेश्चन डू यू प्रे टू गॉड, यस आई डू, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन हो गए, इनको मैं फिर से सेव करके रख लेता हूँ। रिकॉर्ड होना जरूरी है, नेक्स्ट कंटिन्यू। ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया, दलजीत सिंह अकाउंट, ये अकाउंट क्रिएट हो गया, तो यहां पर अब मैं एक्टिविटीज कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू एन एप्लीकेशन यू हैव एंड सबमिट, नो डाटा अवेलेबल, तो यहां पर मैं अकाउंट जो है अपना क्रिएट कर सकता। प्लीज एंटर योर पर्सनल रेफरेंस कोड टू बिगिन योर एप्लीकेशन, इफ अभी अगर कोई भी नहीं है तो मैं कहूंगा कि लाइक मेरे पास आई डो नॉट हैव अ पर्सनल रेफरेंस कोड, इफ यू डो नॉट हैव अ पर्सनल रेफरेंस कोड यू मे आंसर ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल फॉर अ वीजा और परमिट अप्लाई टू एक्सप्रेस एंट्री एंड बिगिन एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैनेडा एक्सप्रेस विजिटर वीजा, What would you like to do in Canada? Visit. How long you are planning to stay? तो यहाँ पर आप less than 6 month लगाइए temporary. Select the code that matches the one in your passport. India. What is your current country or territory of residence? India. Do you have a family member who is Canadian citizen and is 18 year old or older? No. What is your date of birth? तो date of birth मेरे को mention करनी पड़ेगी यहाँ पर। नेक्स्ट, फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, हैव यू लिव्ड इन कनाडा एज अ परमानेंट और लैंडेड इमिग्रेंट्स? नो। आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? नो। व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस? मैरिड। व्हाट इज योर प्रोविंस और टेरिटरी ऑफ डेस्टिनेशन? कहाँ पर आप जाना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल अल्बर्टा। बेस्ड ऑन इन यू प्रोवाइडेड द रिजल्ट बिलो वेयर यू मे बी एलिजिबल टू कम टू कैनेडा, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीजा टू ट्रेवल टू कैनेडा, तो यहाँ पर इसने मेरे को बता दिया आपकी फीस जो है वो $100 जो है वो आपकी लगेगी, तो यहां पर मैं कंटिन्यू करूंगा। क्रिएट योर पर्सनल चेकलिस्ट, कंटिन्यू टू विजिट, फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए विजिट एलिजिबल हो टू विजिट फैमिली और फ्रेंड्स, डू यू हैव प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद द पर्सन हु इज इनवाइटिंग यू टू कनाडा? यस आई हैव, अगर आपके पास
इन्फॉर्मेशन होगी, मीन कॉन्टेक्ट पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप अप्रूव है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। डू यू हैव अ जॉब इन योर कंट्री वेर यू करंटली लिव? यस, काम कर रहे हो। डू यू ओन ए बिजनेस इन योर कंट्री वेर यू करंटली लिव इन? यस। तो यहाँ पर मैं जॉब के लिए नो कर दूंगा। अगर मेरा बिजनेस है तो मैं बिजनेस के लिए यस करूंगा, जॉब है तो जॉब के लिए यस करूंगा, जो भी है। डू डिपेंड ऑन समवन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट? नो, मैं अपने आप को फंड कर रहा हूँ। हैव यू ट्रेवल टू अदर कंट्रीज इन द प्रीवियस 10 ईयर्स? नो, कभी भी नहीं गया हूँ मैं पिछले 10 सालों में। नेक्स्ट, फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल। आर यू अकॉम्पनिंग ए फैमिली मेंबर दैट हैज अ स्टेटस इन कैनेडा और हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड टू कम टू कैनेडा? नो, मेरे साथ जो भी जाएगा वो कैनेडा का सिटीजन नहीं है। Have you ever committed, been arrested? No. Have you had a medical exam performed by? No. Examination नहीं हुआ है, ना ही मेरे को बोला गया था। Do you want to submit an application for a family members? अगर आप चाहते हो तो yes कर दो, अगर नहीं चाहते हो तो no कर दो। In this case, मैं बोलता हूँ कि नो, मैं सिर्फ अकेले के लिए अपने करना चाहता हूँ। नेक्स्ट, आर यू गिविंग समवन असेस टू योर एप्लीकेशन? अगर तो आप किसी को असेस दे रहे हो तो यस, आई विल बी अपॉइंटिंग ए रिप्रेजेंटेटिव टू अप्लाई, या फिर यस ग्रांट टू IRCC, यस या फिर नो। मतलब कि पहली जो तीन ऑप्शन है इसमें आप किसी तीसरे बंदे को, दूसरे बंदे को आप जो है वो परमिशन दे रहे हो कि आपकी तरफ से जो फाइल करे, अगर नहीं तो नो करके आप नेक्स्ट कर सकते हो। फाइंड आउट इन द लास्ट 10 ईयर्स हैव यू गिवन योर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स? हुए हैं, अगर हुए हैं तो यस, नहीं हुए तो नो। देर आर फीसेज एसोसिएटेड विद दिस एप्लीकेशन, विल यू बी पेइंग द फीस और आर यू फ्री? नहीं, मेरे को फी पे करनी पड़ेगी तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आई विल बी पेइंग माई एप्लीकेशन फीस, यस। Are you able to make a digital copy of your document with a scanner or camera? Yes, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे को स्कैन करके अपलोड करने हैं। Find out if you are eligible. Will you be paying your application fees online? To pay online, you can use a credit card. Yes, मैं अपनी ऑनलाइन फीस पे करूंगा। Yes. तो ये मेरे क्वेश्चंस हैं। अगर मैं इनको चेंज करना चाहता हूं तो यहां से एडिट के साइन पे जाके इसे चेंज भी कर सकता हूँ। फिर से आप एक बार इसे पढ़ लो, सो देट कि कोई आपको दिक्कत ना हो। अगर कोई क्वेश्चन आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर जो एडिट का साइन लगा हुआ है वो आप चेंज कर सकते हो। हैव यू एवर कमिटेड, बीन अरेस्टेड? अपडेट इन्फॉर्मेशन? नो। अगर मेरे को लगता है कि अकाउंट बनाने के बाद मैं किसी के साथ जाना चाहता हूँ या मैं किसी को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ तो वो भी चीजें मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि हैव यू कमिटेड, हैव यू बिजनेस, हैव अ जॉब, डू यू हैव अ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट इज योर मेन पर्पस ऑफ, नहीं, मैरिटल स्टेटस, आर यू लॉफुल लॉ, हैव यू लिव्ड इन कैनेडा, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर कंट्री, हैव यू कमिटेड क्राइम, हैव यू बीन, आर यू गोइंग, नो, इन द लास्ट नो डे ऑफ रीजन, आर यू एबल टू मेक, ठीक है, कंटिन्यू। तो ये 3 स्टेप में मेरे को जो है वो अपना एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। सबसे पहले यू मस्ट बी लॉग्ड इन टू योर अकाउंट। यू कैन नॉट यूज अनदर पर्सन अकाउंट। इफ यू सिलेक्ट द एग्जिट बटन, योर इन्फॉर्मेशन विल बी सेव्ड एंड यू विल रिटर्न टू योर अकाउंट होम पेज। अगर किसी केस में भी आपके पास जो है आपकी इन्फॉर्मेशन, आपसे लॉग आउट हो जाता है तो आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। तो ये मेरा अकाउंट बन गया है एंड आई एम रेडी टू प्रिपेयर माई अपलोड माई डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो या तो आपके जो PDF फॉर्मेट में हो सकते हैं, ठीक है, लोअर फाइल साइज होना चाहिए, जो इंश्योर दैट ऑल इमेजेस इन PDF आर सेट टू 96 DPI, कम से कम 96 DPI पे होने चाहिए, जो
अननेसेसरी इमेजेस है वो आप हटा दो, जेपीजी फॉर्मेट है जो स्कैन योर डॉक्यूमेंट एट लोअर डीपीआई, या तो आप जेपीजी फॉर्मेट में कर सकते हो या फिर टीआईएफएफ में कर सकते हो, डॉक और डॉक्स फॉर्मेट में भी हो सकता है। पे योर फीस, अपनी फीस पे करिए और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू तो मेरे को ये ले जाएगा चेकलिस्ट, क्या 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 डॉक्यूमेंट्स मेरे को अपलोड करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 5 to 5 7, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, क्योंकि देखो मैंने वहां पर बिजनेस रजिस्ट्रेशन लिखा था इसलिए मेरे को बिजनेस रजिस्ट्रेशन बोल रहा है ये। पासपोर्ट रिक्वायर्ड, पासपोर्ट इनविटेशन, क्योंकि मैंने वहां पर मेंशन किया था कि मेरे पास इनविटेशन लेटर है, तो मैं इनविटेशन लेटर यहाँ पर मेंशन करूंगा। प्रूफ ऑफ मींस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, सीए रिपोर्ट वगैरह, डिजिटल फोटो अपनी, पर्पस ऑफ ट्रेवल, ट्रेवल करने क्यों जा रहा हूँ, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, 5 6 4 5 फैमिली इंफॉर्मेशन जिसमें मैं सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट 5 5 to 5 7, ये ऑप्शनल है बट नॉट नेसेसरली। क्लाइंट इंफॉर्मेशन, जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है यानी कि जो भी मेरे पासपोर्ट के अलावा जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास फाइनेंसिस है, और ये टोटल फीस जो है 185 डॉलर्स। रीजन बीइंग 100 तो लग गया मेरा विजिटर अम्बेसी फीस के लिए, और बायोमेट्रिक फीस के लिए 85 डॉलर्स जो है वो लगे। सो ये आपको जस्ट प्रोसेस कंप्लीट करना है, फाइल्स अपलोड करनी है, और ये आपको बताना है कि आपने इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दिया और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर यू मस्ट बी लॉग इन टू योर अकाउंट अगर आप सबमिट करने चाह रहे हो। कंटिन्यू ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, क्या क्या हमें अपलोड करना है। सबसे पहले है 5 to 5 7, रिक्वायर्ड है जो टेम्पररी रेजिडेंट वीजा के लिए। तो यहाँ पर अपलोड पे फाइल पे क्लिक करूंगा मैं, और आप चूज फाइल। आप ऐसा करिए कि जो आपको ना अलग से फोल्डर बना लीजिए अपना, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया दलजीत सिंह के नाम का, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है आपके होने चाहिए। जैसे कि ये IWME 5 to 5 7 है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ओपन किया और यहाँ पर अपलोड कर दिया। ये आपका रिटर्न टू, ये आपका अपलोड हो गया, सक्सेस अपलोडिंग। और आप देख सकते हो कि जो भी आपने फाइल का नाम रखा होगा वही नाम आएगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो भी है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अपलोड फाइल, जाइए आप, और ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन रही, और ये अपलोड कर दीजिए। ये अपलोड हो चुकी है, रिटर्न टू योर डॉक्यूमेंट्स। जैसे जैसे आप अपलोड कर रहे हो वैसे वैसे नाम आ रहा है आपका, ME5257E दलजीत.pdf, सेम ए रजिस्ट्रेशन _दलजीत, पासपोर्ट, अपलोड फाइल, चूज फाइल, दलजीत पासपोर्ट, अपलोड फाइल, रिटर्न टू ये डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आ गया आपके पास इनविटेशन लेटर, इनविटेशन लेटर ये रही। देखो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपने अपलोड कर दिए, बट अभी तक ये अपलोडेड है बट नॉट सबमिटेड टू IRCC। जब तक आप फी पे नहीं करोगे ये सबमिट नहीं करेगा। ये नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर फंड्स, अपलोड, चूज फाइल, फंड्स, ये आपके हो गए।
नेक्स्ट डिजिटल फोटो चूज फाइल, ये मेरी डिजिटल फोटो रही, फाइल रिटर्न, नेक्स्ट पर्पस ऑफ ट्रेवल या पर्पस ऑफ विजिट, क्लाइंट कमिटमेंट लेटर, पर्पस ऑफ विजिट, न्यूट्रिशन लेटर, पर्पस ऑफ विजिट, रिटर्न टू योर डॉक्यूमेंट, अपडेट इंफॉर्मेशन, अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हो, जैसे सपोज फाइनेंशियल सपोर्ट को अपडेट करना चाहते हो, तो यहाँ पर अपडेट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करके आप फिर से दोबारा से जो है फाइल अपलोड कर सकते हो। अगर आपके सपोज की फंड्स में कुछ चेंजेस आए हैं तो आप अपलोड कर सकते हो, फिर से अपडेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो हो गया। ये हमारे पास और बहुत सी इंफॉर्मेशन है, अपडेट इंफॉर्मेशन, फोटो हो गई, पर्पस ऑफ ट्रेवल ये भी हो गया, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, अपलोड फाइल, रिलेशनशिप प्रूफ, अपलोड, रिटर्न टू योर डॉक्यूमेंट्स, ई फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म 5645 की, अपलोड, चूज फाइल, अच्छा अगर आपके 5645 या फिर दूसरा फॉर्म अगर कोई मिस्टेक है तो ये अपलोड नहीं करेगा। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ 5645 या फिर 5713 कैसे फॉर्म फिल करने हैं, कैसे वैलिडेट करने हैं, तो ये मैंने सारे अप्रोक्सीमेटली फिल कर दी हैं। अब यहाँ पर ये ऑप्शनल फॉर्म है, अगर मैं 5257 टेम्प्रेरी फिर से अपलोड करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन पर मैं फिर फिल करूंगा क्योंकि मेरे को लगता है कि जरूरी है, बट दिस इज ऑप्शनल, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन भी है, अपलोड फॉर्म, तो ये मेरी सारी फाइल्स जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। अच्छा जब आप क्लाइंट इन्फॉर्मेशन फिल करोगे तो हमेशा आएगा आपको रिमूव डॉक्यूमेंट, यानी कि ये जरूरी नहीं है, अगर आप हटाना सकते हो तो हटा सकते हो। तो इसके बाद मेरे को नेक्स्ट जो फी पे करनी पड़ेगी दैट इज $185, $100 जो है एम्बेसी फीस है और $85 जो है वो हमारी बायोमेट्रिक फीस है। नेक्स्ट करूंगा तो ये मेरे को ले जाएगा, रीडायरेक्ट कर देगा, पहले तो ये बताएगा कि आपके पास आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट किए हैं, ये वाले डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर चुके हो आप, बट ये अभी आरसीसी को सबमिट नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर आई एग्री आपको मेंशन करना पड़ेगा, या आप एग्री हो जो भी आपको मतलब कि लगा रहे हो आप, आई एग्री, लास्ट नेम, जब आपको याद होगा कि मैंने लास्ट नेम लगाया था, फर्स्ट नेम, गिवन नेम नहीं लगाया था, डू यू प्रे टू गॉड, यस आई डू, ये मेरे जो है वो सिग्नेचर हो चुके हैं, एग्री भी हो गया हूँ मैं, सिग्नेचर भी हो चुके हैं, सिग्नेचर में आ रहा है कि लाइक आई रणजीत सिंह एडमिट ट्रांजिटेड पे, अभी मैं पे करूंगा और जो ये मेरा है समरी ऑफ फीस $100 है विजिटर, सॉरी विजिटर वीजा के एम्बेसी फीस, और 85 जो है वो है बायोमेट्रिक फीस, ट्रांजिट एंड फील पे, तो
अभी क्योंकि ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं ये आपको बताना चाहता था कि विजिटर वीजा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं विजिटर वीजा भी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो अभी मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अप्लाइंग द विजिटर वीजा स्टेप बाय स्टेप गाइड। अगर आप भी विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हो घर से अपने आप कर रहे हो तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलते हैं हम और बहुत सारी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।